यार मोदी ने बंद करा दिया है। ये भी रखेंगे, सुनो, ये भी वही है, आइटम ही है, ये गुटका ये सब व्यवस्था के साथ बैठते हैं, ये सर है ना, सर करता है कि ये कई दिन से बैठे हैं, बाइन है सर, बाइन वो भी रखो। क्या नाम है तेरा? फटाफट जो है उधर एक आदमी बैठ जाओ उसमें कंप्यूटर में, ये भी उधर एक पेपर ऊपर ले जाओ का। नाम लिखो इनके और किस तीन एफ आई आर मालिक और मैनेजर, ठीक। हाँ ये संतोष अभी व्यवस्था बनाओ गाड़ी, देख के कौन सी गाड़ी किसकी है, इतने आदमी जा। AKS होटल में सजी थी जुआनियों की महफिल, लगा रहे थे जीत हार की बाजी, पुलिस ने दे दी दबिश। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से रीवा शहर में ये जुए की फर्ज संचालित हो रही थी, जिसमें मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशानुसार सिटी SP शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक टीम ने शहर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आलिशान होटल AKS में दबिश दी है। रीवा के AKS होटल में चल रही थी जुए की फर, CSP शिवाली ने डाला छापा, नकदी सहित जुआड़ी पकड़ाए। सूत्रों की माने तो होटल मालिक और मैनेजर द्वारा गैर कानूनी कृत्यों के लिए दिया जा रहा था संरक्षण। इस कार्रवाई में 1,77,000 नकद रुपए जब्त किए गए हैं, जबकि दर्जन भर से अधिक जुआड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सिविल लाइन थाने ले आई है। SP विवेक सिंह के निर्देश पर सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ शर्मा ने टीम के साथ ये कार्रवाई की है। होटल मालिक और मैनेजर पर भी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि पुलिस को इस जुए की फड़ की लंबे समय से तलाश थी, लगातार ये स्थान बदलकर संचालित किया जा रहा था, लेकिन इस दफा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अधिकारियों को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक होटल में जुआ चल रहा है, जिसमें मौके पर जाकर सिविल लाइन थाना प्रभारी और उनकी टीम, साथ ही चोराटा की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है, और इसमें कुल 13 लोगों को पकड़ा गया है। और ये होटल ट्रांसपोर्ट नगर में AKS होटल है, जिसमें होटल के मालिक और मैनेजर पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें जुए में 1,77,835 रुपए बरामद हुए हैं। AKS होटल ट्रांसपोर्ट नगर, क्या कार्रवाई? इनमें कार्रवाई की जा रही है जुआ के लिए स्थान उपलब्ध कराने में, जिसमें होटल मालिक और होटल मैनेजर को आरोपी बनाया जा रहा है। अब इसमें आगे जांच का विषय है, जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा।